नमस्कार दोस्तों, इंफाटोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं इंडियन लॉजिस्टिक स्टार्टअप डिलीवरी से, जहां पर दोस्तों देश में लॉजिस्टिक सर्विस का एक्सपांड करते हुए इन्होंने महाराष्ट्र के भिवंडी में उनका एक मेगा गेटवे ओपनिंग कर दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमारे देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक फैसिलिटी है। दोस्तों बेसिकली ये मेगा गेटवे एक टाइप का ट्रकिंग टर्मिनल है, जो कि अराउंड 12 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। इस ट्रकिंग टर्मिनल के अलावा एक ऑटोमेटेड हब, सॉर्टेशन, रिटर्न्स, फ्रेट ऑपरेशंस, इन सब चीजों के लिए अलग अलग लॉजिस्टिक फैसिलिटीज इन्होंने यहाँ पर सेटअप की है। 196 के आसपास डॉकिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर डेली 1600 के आसपास व्हीकल्स का आना जाना लगा रहेगा और डेली 8000 टन ऑफ फ्रेट यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। और ये हमारे देश में इनका दूसरा ट्रकिंग टर्मिनल है, इससे पहले हरियाणा में भी इन्होंने ओपन कर दिया था और अगले साल इसी तरह का सेम टर्मिनल इनके द्वारा बेंगलुरु में भी ओपन किया जाना है। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है सबरीमाला एयरपोर्ट से, जहाँ पर दोस्तों इस एयरपोर्ट के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली जो लैंड एक्विजिशन का काम है उसको अप्रूवल दे दी गई है। और कह सकते हैं कि काफी लॉन्ग डिले के बाद इसके ऊपर जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो स्टार्ट हो पाएगा। तो सबरीमाला एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा, जिसको केरला के कोटेम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। इरुमेली साउथ और मनीमाला ये ऐसे विलेजेस है जहाँ पर इस एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्वायर की जाएगी 2570 एकर्स, जिसे अभी अप्रूवल दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, क्योंकि लैंड एक्वायर करने से पहले कई सारे अभी जो प्रीलिमिनरी वर्क्स हैं वो करने जरूरी हैं, जिनको अभी करने में कई महीनों का समय लगेगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने के बाद ही इसका जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो स्टार्ट हो पाएगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया से, जहां पर दोस्तों उनके बिजनेस के लिए प्रोडक्टिव लेवल को तैयार करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो हरियाणा स्टेट में उनका एक और जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे। और इसको लेकर उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। दोस्तों इससे पहले इस तरह का जो इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने ऑलरेडी हमारे देश में ओपन कर रखा है, जहाँ पर उनके प्लांट्स में या फिर फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग से पहले जो लोग हैं उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हमारी जो इंडियन वर्कफोर्स है उसको प्रोडक्टिव भी बनाया जाए, जो कि अभी के समय जरूरी भी है। क्योंकि एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जरूरी है कि भारत में प्रोडक्टिव और स्किल्ड लेबर फोर्स हो, जो कि अभी काफ़ी कम है। बात करें इंस्टीट्यूट के बारे में तो 5 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जिसको रोहतक के कंसल वे में बनाया जाएगा। अभी इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लैंड भी अलॉट कर दिया है। बेसिकली ये इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का पार्ट होगा, जो कि यूजली आपको बड़ी कंपनीज या फिर जो प्रोफिटेबल कंपनीज होती हैं उनकी तरफ से देखने को मिलता ही है। अभी 5.8 करोड़ रुपीज इसके ऊपर वो खर्च करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के अंदर अंदर इसको बनाकर वो कंप्लीट कर देंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है ग्रिप सिटी से, जहाँ पर 200 सिटी आधारित डेटा सेंटर्स के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो देश में स्पेसिफिकली गिफ्ट सिटी में उनका एक और डेटा सेंटर सेटअप करेंगे। और इसके लिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन जोन भी रख दिया गया है। दोस्तों CTRLS वैसे तो एक IT सर्विस मैनेजमेंट कंपनी है, पर स्पेसिफिकली डेटा सेंटर बिजनेस में काम करने के लिए इन्होंने एक सब्सिडी का फॉर्मेशन किया हुआ है, उसी के द्वारा ही डेटा सेंटर सेटअप किया जाएगा। कैपेसिटी तो नहीं बताई गई है कितनी कैपेसिटी का होगा और कितने एरिया में बनेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें 250 करोड़ रुपये इसके इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं, जो इसको हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर बना देगी। एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 1000 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर 2025 तक इसको वो बनाकर कंप्लीट कर देंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन EV फर्म नेक्सू मोबिलिटी से, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो गुजरात स्टेट में उनका एक नया स्मार्ट EV पार्क सेटअप करने वाले हैं और इसको लेकर भी उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में इनिशियल अग्रीमेंट साइन कर लिया है। दोस्तों नेक्सू मोबिलिटी का कहना है कि स्मार्ट EV पार्क EV डेडिकेटेड हमारे देश का बिगेस्ट EV पार्क होगा, जहां पर 5000 करोड़ रुपये इसके इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और 5000 से ज़्यादा लोगों को इनिशियल बेसिस पर यहाँ पर इंप्लॉयमेंट भी मिल पाएगी। ये एक टाइप का इंडस्ट्रियल पार्क होगा, जहाँ पर रेडी टू मूव इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटीज, कॉमन R&D यूनिट्स, हाउसिंग, एजुकेशनल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और जो दूसरे EV कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए फैसिलिटीज यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। ये तो नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट कौन सी जगह पर ये बनकर तैयार होगा, क्योंकि अभी ये एक इनिशियल अग्रीमेंट ही है, लेकिन ये छोटी है कि गुजरात स्टेट में ये बनकर तैयार होना है। अगले साल के अंदर अंदर जो भी स्टार्ट होने वाला है उस दौरान ये देश में या फिर गुजरात स्टेट में लैंड आइडेंटिफिकेशन का काम स्टार्ट कर देंगे और मोस्ट आप कह सकते हैं कि लैंड को एक्वायर करके काम भी इनके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो से, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो की सिल्वर लाइन के एक्सपांशन को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा DPR अथॉरिटीज के पास में सबमिट कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि इस सिल्वर लाइन के एक्सपांशन के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है वो भी मेट्रो के थ्रू कनेक्ट हो पाएगा। दोस्तों दिल्ली मेट्रो की सिल्वर लाइन अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन है, जिसको दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत बनाया जा रहा है। दिल्ली एरो सिटी, जो कि IGA एयरपोर्ट के काफी पास में लोकेटेड है, वहां से तुगलकाबाद स्टेशन के बीच में बनकर तैयार हो रही है। 23.6 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है और मोस्टली ये अंडरग्राउंड ही होगी, क्योंकि 15 में से 11 मेट्रो स्टेशन इसके अंडरग्राउंड होने वाले हैं, जबकि 4 एलिवेटेड होंगे। और क्योंकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कहना है कि अगले 5-7 सालों के अंदर अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो एयर ट्रैफिक है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसमें 3 से 4 गुना का उछाल आएगा।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको बनाया जाए, क्योंकि अगर नहीं बनाया जाएगा तो एयरपोर्ट पर ही काफ़ी ज़्यादा कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी टर्मिनल वन जिसको कवर करने की बात की जा रही है, वहाँ पर अभी के समय में जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो 1.7 करोड़ पर एनम के आसपास है, जो अगले 2-4 सालों में 4.5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अभी टर्मिनल वन के पास जो रनवे की रिकारपेटिंग का काम है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। एक बार जब उसको ओपन किया जाएगा तो वहाँ से भी जो फ्लाइट्स हैं वो बड़े स्केल पर ऑपरेट हो पाएंगी, जो टर्मिनल वन के ऑपरेशन को हैम्पर करेगा ही करेगा। इसी के चलते सिल्वर लाइन को टर्मिनल वन तक एक्सपांड करने की बात की जा रही है, जो कि अभी मोस्टली होता हो दिखाई भी देगा। देखते हैं कि कब तक इसको अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूवल दे दी जाती है, लेकिन अगर इसको अप्रूवल मिलती है तो आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली ये थर्ड मेट्रो लाइन होगी। इससे पहले मेजेंटा लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ऑलरेडी दिल्ली एयरपोर्ट को कनेक्ट करती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से, जहाँ पर दोस्तों फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी रेलवे के द्वारा 7 और नई ट्रेन को फाइनलाइज कर दिया गया है। हमारी रेलवे का कहना है कि 30 दिसंबर को इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। उसको बेसिकली 30 दिसंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर अयोध्या विजिट पर होंगे, जहाँ पर उनके द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट और अयोध्या रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया जाना है। उसी के दौरान इन ट्रेन को भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। 7 में से 5 तो वंदे भारत ट्रेन होगी, जबकि 2 अमृत भारत ट्रेन होंगी। डिटेल में इनके बारे में आपको बताऊं तो अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत ट्रेन, न्यू दिल्ली SMVD कटरा वंदे भारत ट्रेन, न्यू दिल्ली अमृतसर वंदे भारत ट्रेन, जालना मुंबई वंदे भारत ट्रेन एंड लास्ट कोयम्बतूर से बेंगलुरु के बीच में भी एक वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट किया जाना है, जबकि एक अमृत भारत एक्सप्रेस दिल्ली से दरभंगा के बीच में ऑपरेट होगी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसको अयोध्या से दरभंगा के बीच में ऑपरेट किया जाए। एक अमृत भारत ट्रेन मालदा से बेंगलुरु के बीच में भी ऑपरेट होने वाली है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ और वंदे भारत ट्रेन को इस लिस्ट में ऐड किया जाए और उनको भी 30 दिसंबर को ही फ्लैग ऑफ किया जाए। आगे चलकर ये सभी चीज़ें और क्लियर होती दिखाई देंगी। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो इन 7 ट्रेन के कारण कनेक्ट हो पाएंगे। अगली दो सब निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ फाइनली मुंबई के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टनल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है। और अभी आप कह सकते हैं कि MMRDA और BMC इस प्रोजेक्ट के साथ में आगे जा पाएंगे। उसको बेसिकली यहाँ पर मैं ओरेंज गेट से मरीन ड्राइव के बीच में जो बनने वाला रोड है, जो टनल है, उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीटली अंडरग्राउंड होने वाली है। और क्योंकि ये कोस्टल रोड से पास होने वाली थी तो इसके लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल इसके लिए चाहिए थी। ये अंडरग्राउंड रोड प्रोजेक्ट ईस्टर्न फ्रीवे को मुंबई कोस्टल रोड से कनेक्ट करेगा, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि बड़े स्केल पर जो ट्रैफिक है वो तो डाइवर्ट होते हुए दिखाई देगा। साथ साथ ईस्टर्न फ्रीवे से मुंबई कोस्टल रोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मील में कवर हो पाएगा। 9.23 किलोमीटर का लंबा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें 6.5 किलोमीटर लंबी तो एक ट्विन ट्यूब की टनल बनाई जाएगी, जबकि रिमेनिंग एक्सेस रोड या फिर अप्रोच रोड होंगे। ग्राउंड लेवल से 40 मीटर की डेप्थ पर इसको बनाया जाएगा, ताकि मुंबई मेट्रो की लाइन 3 जो कि यहीं से पास होती है उसके ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखते हैं कि कब तक इसके ऊपर जो ग्राउंड वर्क है वो स्टार्ट हो पाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर से, जहाँ पर दोस्तों कई महीनों के डिले के बाद फाइनली साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन अब तैयार है बेंगलोर सब अर्बन रेलवे को अप्रूवल देने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों के अंदर अंदर वो इस लाइन को अप्रूव तो कर ही देंगे, साथ साथ जो लैंड रिक्वायरमेंट है उसको भी क्लियर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बेंगलोर सब अर्बन रेल प्रोजेक्ट की लाइन 4 की बात कर रहा हूँ, जो कि हिरण्यगिरी से राजनकुंती के बीच में बनकर तैयार होगी। बेसिकली जिस एरिया से लैंड पास होने वाली है और जहाँ पर लैंड एक्वायर की जाने वाली है, वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इसके लिए अराउंड 195 एकर्स ऑफ रेल लैंड को एक्वायर किया जाना था, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंडर में आती थी। पर क्योंकि उसी एरिया के आसपास हमारे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा बयापन्ना हाली से होजोर के बीच में जो रेल लैंड की एक्वायर रिपलिंग है वो भी की जानी है, तो इसी कारण वो अप्रूव नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर लैंड बेंगलोर सबर्बन रेल लैंड के लिए अप्रूव की जाती तो ये जो क्वार रिपलिंग का काम था ये नहीं हो पाता। तो इसी कारण बेंगलोर सबर्बन रेल लैंड के लिए अभी जो लैंड रिक्वायरमेंट थी उसको कम किया गया, 195 एकड़ से कम करके उसको 115 एकड़ किया गया, ताकि सबर्बन रेल लैंड भी बन सके, साथ साथ जो क्वार रिपलिंग का काम है वो भी हो सके। और अभी हमारा जो साउथ वेस्ट रेलवे जोन है उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके लिए उनका कहना है कि 10 दिनों के अंदर अंदर वो इसको लेकर जो अप्रूवल वगैरह के सभी काम है वो कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।